के नरेंद्र जी भंडारी एवं समस्त विद्वतगण और जिज्ञासु श्रोतागण, आज हम पिछली कक्षा में हमने जैन दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, निक्षेप सिद्धांत है, उस पर हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। आचार्य सिद्ध सेन ने द्रव्यार्थिक न्याय को किस दृष्टि से समझाया और पर्यार्थिक न्याय को किस दृष्टि से समझाया, और द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय की सीमा रेखा क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। लेट अस सी द रोड मैप ऑफ टुडेज लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग द्रव्यार्थिक एंड पर्यार्थिक न्याय ऑफ आगमिक युग। सेकेंड, क्रिटिकल स्टडी ऑफ थ्री फोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जैन रियलिटी। थर्ड, लॉजिकल ट्रांसग्रेशंस इन एक्सेप्टिंग एब्सोल्यूट ओरिजिनेशन, एब्सोल्यूट सेसेशन एंड एब्सोल्यूट परमानेंस। ट्रांसग्रेशंस अकरिंग इन एक्सेप्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट परमानेंट नेचर ऑफ रियलिटी। ट्रांसग्रेशंस अकरिंग इन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परमानेंट नेचर ऑफ रियलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफी। एंड एट लास्ट वी विल अंडरस्टैंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैन कॉन्सेप्ट रियलिटी, बिकॉज द जैन कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी विच इज उत्पाद वै द्रव्य युक्त युक्त है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम वस्तु के अर्थ क्रियाकारित्व को समझ पाएंगे, किस प्रकार ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी संभव है वस्तु का सही स्वरूप समझने से। उसको हम समझेंगे। आज का विषय क्रिटिकल, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और थोड़ा सा डीप रहेगा। आप सभी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। पहले, द्रव्य किसे कहते हैं और उत्पाद व्यय और द्रव्य के संदर्भ में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कैसे उत्पाद व्यय और द्रव्य को द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय के अंतर के फ्रेम में उन्होंने डाला ढाला। आचार्य सिद्ध सेन की इस सन्मति तर्क प्रकरण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर वस्तु को वो दो भागों में विभाजित करते हैं। निक्षेप को भी उन्होंने द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय के अंतर्गत लिया। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप को द्रव्यार्थिक न्याय के अंतर्गत लिया और भाव निक्षेप को पर्यार्थिक न्याय के अंतर्गत लिया। उसी प्रकार नैगम न्याय को तो अपनाते नहीं है, संग्रह और व्यवहार को द्रव्यार्थिक न्याय के अंतर्गत लिया और ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत को पर्यार्थिक न्याय के अंतर्गत लिया। उसी प्रकार इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों को किस न्याय के अंतर्गत लेते हैं। उपपद्यन्ति व्ययन्ति ये भावा नियमेन पज्जवनयस्य तद्वत् ह्यस्य तवम सया अनुपन्नम अभिनट्ठम्। अर्थात पर्यास्तिक दृष्टि में सभी पदार्थ नियम से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। उपपद्यन्ति व्ययन्ति ये भावा नियमेन पज्जवनयस्य। पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से हर वस्तु उत्पाद और व्यय से नियम से बाहर नहीं जाती है, उसके नियम के दायरे में रहती है। तद्वत् ह्यस्य सर्वं सया अनुत्पन्नम अविनष्टम्। जो द्रव्यास्तिक न्याय है वह सर्वदा अनुत्पन्न होता अविनष्ट होता है, अर्थात उत्पाद और विनाश रहित होता है, अर्थात स्थिर रहता है। एक नए वस्तु के स्थिर रूप का ग्राहक है जो द्रव्यास्तिक नए है, वस्तु के द्रव्य धर्म को ग्रहण करता है, जबकि जो दूसरा नए है पर्यास्तिक नए, वह उसके अस्थिर स्वरूप को ग्रहण करता है, अर्थात उत्पाद और विनाश। और छोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। बोथ द नया स्ट्रेस डिफरेंट फेसेस और एस्पेक्ट्स ऑफ वन एंड द सेम थिंग्स। दिस इज स्टेटेड इन दिस फॉलोइंग वर्स। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पर्यास्तिक ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरली बॉर्न एंड पेरिश, एंड फ्रॉम द द्रव्यास्तिक स्टैंड पॉइंट ऑन द अदर हैंड होल्ड्स दैट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इटर्नली विदाउट बर्थ एंड डिके, दैट इज परमानेंट। इसीलिए भगवई में भी आया है अथिरे पलोटई नो थिरे पलोटई। जो वस्तु का अस्थिर धर्म है वह परिवर्तनशील है। जो स्थिर धर्म है, जैसे आत्मा का मूल धर्म क्या है, चैतन्य, चैतन्य स्थिर धर्म है, वह कभी नष्ट, उत्पाद और विनाश से युक्त नहीं होता है।
जो उसके ज्ञान दर्शन पर्याय है वह उत्पाद विनाश को प्राप्त होती रहती है। जब कभी आत्मा ज्ञाता में ज्ञान जानती है, कभी देखती है, कभी जानती है, कभी देखती है। तो ये जो पर्याय परिणमन होता है, ज्ञान दर्शनात्मक उपयोग होता है, वह पर्याय है। चैतन्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब व्हाट इज ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जैन मेटाफिजिक्स? अब यहाँ पे हम समझना है कि क्योंकि कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो टेक्निकल है, ऐसे लगता है कि अलग अलग अर्थ है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम जैसे वस्तु है, जैसे तत्व है, जैसे कोई भी वस्तु है, उसके लिए हम तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। आगम युग में वस्तु के लिए तत्व का प्रयोग किया गया। उमासवाती, जब दर्शन युग आया तो उमासवाती ने तत्वार्थ सूत्र में वस्तु के नाम के स्थान पर सत शब्द को यूज किया, क्योंकि दार्शनिक जगत में सभी जन सत्ता को स्वीकार कर रहे थे, सत पदार्थ को। सत्वम क्षणिकम, सत्वम नित्यम, इस प्रकार जो दार्शनिक जगत है, जो वेदांत फिलोसफी, वो एकांत नित्यवादी, और जो बौद्ध दर्शन है, वे एकांत क्षण भंगवाद को मान रहे थे। तो जो सत का स्वरूप है, कोई नित्य मान रहे था, कोई अनित्य मान रहा था। तो वो दार्शनिक युग में जो तत्व का शब्द है वह सत ने ले लिया, और आगे दार्शनिक युग में जो अन्य न्याय वैशेषिक दर्शन है, उन्होंने पदार्थ का नाम, वस्तु का नाम द्रव्य दे दिया, सब्सटेंस दे दिया। तो उनके साथ समन्वय करने के लिए हमने भी वस्तु को द्रव्य नामकरण दे दिया। अर्थ, अर्थ भी एक प्रकार से वस्तु का ही नाम है। सम्यक अर्थ निर्णय है प्रमाणम, सम्यक वस्तु का ज्ञान करने वाला जो निर्णय है वह प्रमाण है। यहाँ पे अर्थ वस्तु का ज्ञान वह है, और पदार्थ जो वैशेषिक दर्शन है वो सात पदार्थ मानते हैं। जैन दर्शन क्या है? नौ तत्व मानते हैं, या अपन कह सकते हैं नौ पदार्थ मानते हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आशो संवर, निजरा मोक्ष। इसी प्रकार जो वैशेषिक न्याय दर्शन है वो 16 पदार्थ मानते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्य जो बौद्ध दर्शन 4 पदार्थ मानते हैं, सांख्य दर्शन 25 पदार्थ मानते हैं। तो अलग अलग दार्शनिक युग में वस्तु वस्तु ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनेक नाम हो गए। तत्व आगमिक युग में, दर्शन युग में सत द्रव्य और अर्थ पदार्थ, ये चारों शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे सत का इंडियन फिलोसॉफी के अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वेदांत फिलोसॉफी इंडियन फिलोसॉफी में सबसे एंशियंट फिलोसॉफी मानी जाती है। उनका एक मेन कॉन्सेप्ट है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक ब्रह्म ही सत्तावान वस्तु है, जिसकी वास्तविक सत्ता है, और अन्य जितने भी पदार्थ है वो सब उसके अंश है और मिथ्या है, माया है। तो उनके अनुसार वस्तु का जो स्वरूप है वो कूटस्थ नित्य है, अर्थात कंप्लीट नॉन चेंज, ठीक है ना, एब्सोल्युटली इटर्नल। उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की, चेंज की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे यहाँ पे कूटस्थ नित्य की बात आई है कि जो वस्तु है वह नित्य है, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं घटित होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो कूटस्थ शब्द दिया है, एक्चुअली इसका अर्थ है जैसे सुनार है, सुनार जब भी सोना को पीटता है तो नीचे एक स्ट्रॉन्ग पत्थर रहता है, उसको कूट कहते हैं। वो जो पत्थर है वह कभी नहीं हिलता है। ऊपर सोने पर आप हथौड़े से मारते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मारते हैं तो सोना इधर उधर होता है, लेकिन जो कूटस्थ, जो नीचे वो रखा हुआ पत्थर है, वो बिल्कुल ही हिलता नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने सत का जो स्वरूप है, पदार्थ का स्वरूप है, द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, उन्होंने उसको एक कूटस्थ नित्य स्वीकार किया है। अब बुद्धिज्म है वो उनके ऑपोजिट है। कोई भी फिलोसॉफी रेफ्यूटेशन और नॉ से आगे बढ़ती है, तो जो वेदांत फिलोसॉफी ने एब्सोल्यूट इटर्नल की बात कही, एब्सोल्यूट इटर्नल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कही, तो बुद्धिस्ट ने कूटस्थ अनित्य, एब्सोल्यूट नॉन इटर्नल, इट मीन्स एब्सोल्यूट क्षण भंगवाद। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। जैसे वेदांत का जो मेन सिद्धांत है विवर्तवाद, ठीक है, क्योंकि
ब्रह्म ही सत्य है और बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें वो विवर्त है, उसका उसका एक माया है, छल है। तो बुद्धिज्म का यह कॉन्सेप्ट है कि सर्वम क्षणिकम, जो भी है वह सब क्षणिक है। इनका जो क्षण शब्द है वह वस्तु है, वस्तु को भी क्षण कहते हैं, आत्मा को भी क्षण कहते हैं। तो ये हर वस्तु को क्षणिक स्वभाव वाला मानते हैं और क्षण संतति मानते हैं। जब इनको पूछा गया कि कई वस्तु अगर क्षणिक है तो उसमें ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि क्षण संतति के माध्यम से, जैसे ए है बी है, ए उत्पन्न हुआ अपने गुण, एक्चुअली इनका जो कॉन्सेप्ट है क्षण भंगवाद, उसमें जो क्षण है वह 3 क्षण तक रुकता है। पहले क्षण में वह उत्पन्न होता है और अपने सारे एट्रीब्यूट्स गुण धर्म बी को दे देता है और थर्ड क्षण में नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार क्षण संतति चलती है, एक पूरी एक लाइन चलती है। तो ये द्वादश चक्र मानते हैं, द्वादश चक्र के आधार पर ये मानते हैं कि भाई जो क्षण संतति के आधार पर वस्तु नित्य है, ऐसे ये पुनर्जन्मवाद को भी मानते हैं, आत्मा को भी अनित्य मान रहे हैं और पुनर्जन्म पूर्व जन्म को भी मान रहे हैं। तो वह क्षण संतति के द्वारा वे पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को भी मानते हैं। अब न्याय वैशेषिक जो फिलोसॉफी है वो कुछ पदार्थ को तो, कुछ द्रव्यों को तो इटर्नल मानते हैं और कुछ द्रव्यों को नॉन इटर्नल मानते हैं। जैसे परमाणु है, उनके अनुसार जो एटम है वो इटर्नल है, लेकिन जो एटम से, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से जो चीज बनती है, जैसे मड से मिट्टी से जो घड़ा बना, ठीक है, जो मिट्टी है जो मूल द्रव्य है वो इटर्नल है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन कोई भी कृत वस्तु है किसी के द्वारा मेड है तो वह नॉन इटर्नल है। तो इस प्रकार ये कुछ पदार्थों को नित्य मानते हैं, आत्मा को नित्य मान रहे हैं, परमाणु को नित्य मान रहे हैं, लेकिन अन्य चीजों को अनित्य मान रहे हैं। अब जैन दर्शन परिणामी नित्यवाद को स्वीकार करता है, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी है। वह मानता है कि ईच एंड एवरी पदार्थ इज नित्य एज वेल एज अनित्य, हर वस्तु नित्य और अनित्य दोनों है। अब नित्य किस अपेक्षा से है और अनित्य किस अपेक्षा से, तो यहाँ पर हम सापेक्षवाद का प्रयोग करेंगे, अनेकांतवाद का प्रयोग करेंगे। किस अपेक्षा से पदार्थ नित्य है और किस अपेक्षा से अनित्य है, लेकिन हर वस्तु एक ही समय में नित्य और अनित्य दोनों है, नित्यानित्यात्मक है। यह जैन दर्शन का परिणामी नित्यवाद है। यह जो जैन दर्शन का जो पदार्थ का जो स्वरूप है, अगर हम उसको समझ गए अच्छी तरह से, तो जैन दर्शन का जो बंधन, मोक्ष, 9 तत्व, 6 द्रव्य, इन सभी को समझने में बहुत सारी सुविधा मिलेगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बीच में चलता है, किम तत्तम। जब भगवान महावीर, जब गौतम गंधर्व, इंद्रभूति गंधर्व गौतम को मालूम पड़ा कि भगवान महावीर वहां पधारे हुए हैं, तो उसके भीतर यह जिज्ञासा थी कि ये मेरे से अधिक ज्ञानी है, यानी इसकी मुझे परीक्षा करनी चाहिए। तो वे भगवान महावीर के पास पहुंचे और उनको वंदन नमस्कार किया और तुरंत भगवान महावीर ने कह दिया कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, तत्व क्या है। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, तो हाँ मैं इसी संशय को लेकर आपके पास पहुंचा हूं। तो गौतम स्वामी ने के प्रश्न पूछने पर किम तत्तम, भगवान महावीर ने उत्तर दिया, उपन्ने वा विच ओरिजिनेट्स, जो उत्पन्न होता है वह तत्व है। तो गौतम ने सोचा, गंधर्व गौतम ने सोचा कि भाई अगर उत्पन्न होती रहेगी वस्तुएं तो ये संसार उससे भर जाएगा और स्पेस ही नहीं बचेगा फिर और चीजों को एसिमिलेट करने के लिए। तो उनका ये जो डाउट है वह क्लियर नहीं हुआ। अगेन उन्होंने अपने संशय को सामने प्रस्तुत किया भगवान महावीर के सामने, किम तत्तम। तो भगवान महावीर ने समाधान प्रदान किया, विगमेय वा विच डिस्ट्रॉयज इस ऑब्जेक्ट, इस तत्व। तो जो अगर नष्ट उत्पन्न हुआ और नष्ट हो जाएगा तो फिर संसार तो ये वस्तुओं से खाली हो जाएगा, द्रव्य से खाली, शून्य हो जाएगा, फिर उसका कोई फंक्शनल यूटिलिटी भी नहीं रहेगी। तो वस्तु का उपयोग कैसे होगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी।
अगेन उनका मन संशय से भर गया, तो उन्होंने अगेन पूछा किम तत्तम, तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया धुवेई वा विच परसिस्ट, जो द्रव्य है वह तत्व है। अब उनका मन एकदम शांत हुआ, जो संशय वह समाहित हुआ, जो उत्पाद व्यय या द्रव्य युक्त है वही तत्व है, उत्पन्न होते हुए भी नष्ट होते हुए भी जो अपने मूल गुण में अस्तित्ववान है, मूल गुण धर्म में द्रव्य धर्म में स्थिर है वह तत्व है। इस प्रकार भगवान महावीर से समाधान प्राप्त कर गौतम स्वामी उनके शिष्य शिष्यत्व को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें तत्व का सही बोध हो जाता है। और गौतम स्वामी के माध्यम से हमें यह ज्ञान हो गया कि तत्व क्या है। अब जब दर्शन युग आया तो आचार्य उमास्वाति ने इसी भगवान महावीर की जो वाणी है उसको एक संस्कृत के श्लोक में डिफाइन कर दिया, उत्पाद वै द्रव्यात्मकम सत, सत इज दैट विच हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिनेशन सेसेशन परसिस्टेंस। यहाँ पे द्रव्य का विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सत, पहले आचार्य उमास्वाति ने सत शब्द यूज किया, द्रव्य को परिभाषित किया सत लक्षणम द्रव्यम, ठीक है ना, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सत, मतलब द्रव्य कहो या सत कहो एक ही बात है, बस उन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, बात एक ही तत्व को ही सत कहा है। तो जिसमें उत्पाद वे द्रव्य तीनों धर्म है, वह वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, द्रव्य है, सत्तावान एंटिटी है, रियलिटी है। अब यहाँ पे बताया गया, अच्छा समंत भद्र ने बताया है कि भाई ओरिजिनेशन सेसेशन यहाँ पे और परसिस्टेंस, जैसे किसी को कान के कुंडल थे उसके पास, लेकिन उसको बैंगल बनाने थे, तो उन्होंने कुंडल को नष्ट करके बैंगल बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इयररिंग्स का तो डिस्ट्रक्शन हो गया और ओरिजिनेशन ऑफ बैंगल हो गया, लेकिन दोनों में क्या है, परसिस्टेंस ऑफ गोल्ड है। ऐसे मुकुट फ्रॉम घट, मतलब पहले कलश था उसका मुकुट बना दिया, तो कलश में जो स्वर्ण था और मुकुट में जो स्वर्ण है वह द्रव्य धर्म है, मुकुट का उत्पाद हुआ और कलश का नाश हुआ, और कलश का जब उत्पाद हुआ मुकुट का नाश हुआ, लेकिन जो स्वर्णत्व है गोल्डनेस है वह उन तीनों में थी। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है कि भाई जो हैप्पीनेस मिजरी एंड इनडिफरेंस, कोई तटस्थ रहता है जब उसको उसको तो जिसको सोना ही चाहिए था वह तटस्थ रहता है द्रव्य धर्म के अंदर, और जिसको ये हियरिंग्स चाहिए थी वह प्रसन्न होता है, और जिसको बैंगल्स मतलब नष्ट हो गए वह दुखी हो जाता है। तो सुख दुख और मध्यस्थ भाव तटस्थ भाव, ये तीनों एक ही वस्तु में घटित एक ही वस्तु की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन तीनों उत्पाद में और द्रव्य एक ही वस्तु में एक साथ परसिस्ट कर सकते हैं। यह है जैन दर्शन का मूल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे लकड़ी है या काष्ठ है, ठीक है, तो काष्ठ को उसने हाथी ने उसको बनाया, नष्ट किया और चेयर का टेबल बना दिया, फिर थोड़े दिन बाद टेबल टूट गई तो उसका चेयर बना दिया, तो ओरिजिनेशन ऑफ टेबल सेशन ऑफ चेयर, ठीक है ना, तो यहाँ पे चेयर का नाश हुआ टेबल का उत्पाद हुआ, लेकिन दोनों में काष्ठत्व है, ठीक है, उडन उडनेस है दोनों में है। तो ये जो जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट है उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों एक साथ एक ही द्रव्य में घटित हो सकते हैं। जैसे मैं एक उंगली है, जैसे ये उंगली सीधी है, ठीक है, और मैं इसको टेढ़ा करती हूं, तो सीधेपन का नाश टेढ़ेपन का उत्पाद, लेकिन उंगली तो उंगली है ना। तो यही बात आचार्य सिद्धसेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में बताया है कि उंगली का सीधापन और टेढ़ापन, सीधापन का मतलब टेढ़ापन का नाश और टेढ़ेपन का मतलब सीधेपन का नाश, और उंगली तो दोनों समय में एक ही है वही उंगली है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उत्पाद वै द्रव्य एक ही पदार्थ में एट अ टाइम रह सकते हैं, नित्या नित्यात्मक जो वस्तु का स्वभाव है
ऐसे देखने में तो विरोधी लग रहा है, लेकिन बट दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ पे आगे आचार्य सिद्धसेन बताते हैं, दव्वं पज्जव्यूयम् दव्यव्युत्ताय पज्जवानत्थि उपाय ठी भंगा हंदी दव्य लक्षणम एयम्। अर्थात उत्पाद एवं नाश रूप पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य अर्थात रुवांश से रहित पर्याय नहीं होते हैं, क्योंकि उत्पाद नाश एवं स्थिति ये तीनों द्रव्य या सत का लक्षण है। यहाँ पे ये बताया है द्रव्य पर्याय रहित नहीं रह सकते और पर्याय द्रव्य रहित नहीं रह सकते। पर्याय किसे कहा? वस्तु का जो उत्पाद और नाश, ए ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने बॉडी में भी एवरी मोमेंट वेयर एंड टेयर हो रहा है। प्रतिक्षण नए सेल्स बन रहे हैं और पुराने सेल्स नष्ट हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, मतलब अनएंडिंग विदाउट एनी डिस्टरबेंस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन चलता रहता है। परिणामन उत्पाद नाश रूप पर्याय वह चलती रहती है हर ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे उत्पाद व्यय को पर्याय के अंतर्गत ले लिया और जो द्रव्य अंश है उसको द्रव्य के अंतर्गत ले लिया। पहले मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ कि जो आत्मा है उसका द्रव्य गुण क्या है? चेतना। और चेतना के दो उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, वे उसकी पर्याय है। जब आत्मा ज्ञानोपयोग में रहती है तब दर्शनोपयोग का नाश हो जाता है, जब दर्शनोपयोग में रहती है तो ज्ञानोपयोग का नाश हो जाता है। एक का उत्पाद एक का नाश, ये साइमल्टेनियसली, ये जो सक्सेसिवली लग रहा है, सक्सेसिवली तो हो ही रहा है, लेकिन ये तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही ऑब्जेक्ट में परसिस्ट करते हैं। ये जेनिज्म का मूल कॉन्सेप्ट है कि द्रव्य और पर्याय अलग नहीं रह सकते। क्या आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा? ऑब्जेक्ट टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, उसका शेप उसके साथ ही रहता है। उसका जो पर्याय है, उसका जो फॉर्म है, सब्सटेंस एंड फॉर्म हर समय साथ में ही रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। लक्षण द्वारा वस्तु का यथार्थ एवं पूर्ण रूप यहाँ बतलाया गया है। कोई भी वस्तु उत्पाद विनाश रहित और मात्र स्थिर नहीं है। इसी तरह कोई भी वस्तु स्थिरता रहित और मात्र उत्पाद विनाश वाली भी नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह मूल रूप में स्थिर रहने पर भी निमित्त के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में बदलती रहती है। इसीलिए एक ही वस्तु में स्थिरत्व एवं अस्थिरत्व विरुद्ध नहीं है, किंतु वास्तविक है। इन दोनों रूपों के होने पर ही वस्तु पूर्ण बनती है। अब यहाँ पे द्रव्य को मैं एक छोटा सा, मतलब थोड़ा सा द्रव्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझाना चाहूंगी। इसी को आगे आचार्य सिद्धसेन ने और थोड़ा एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में। मैं इसको इसी को इसी जो कॉन्सेप्ट चला, दैट कैन नॉट बी अ थिंग विच इज डिवाइड ऑफ इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ बर्थ एंड डिके। ऑन द अदर हैंड मॉडिफिकेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन अबाइडिंग और इटर्नल समथिंग, अ परमानेंट सब्सटेंस फॉर बर्थ एंड डिके एंड स्टेबिलिटी कंटिन्यूएंस। दीज थ्री कॉन्स्टिट्यूट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस और रियलिटी और एनी एंटिटी। अब यहाँ पे द्रव्य किसे कहते हैं? तो आचार्य कुंद ने पंचाशत निकाय में बहुत सुंदर बताया है, तवम संलक्षणीयम् उत्पाद व्यय धुवत्ता संयुक्तम् गुण पज्जय सा पज्जयस्यम् वा जम तम भण्डन्ति सव्वनुः। अर्थात जो द्रव्य है वह उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त है, और गुण और पर्याय जिसमें है उसे हम द्रव्य कहते हैं, उसे हम सत कहते हैं। पहले तुमने दव्वम संलक्षणम द्रव्य को सत कह दिया, फिर उसी सत के तीन गुण बता दिए, उत्पाद व्यय धुवत्तम संयुक्तम। जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होता है वह सत है, और गुण पज्जव संयम जो गुण और पर्याय युक्त होता है ऐसा सर्वज्ञ ने बताया है। अकॉर्डिंग टू ओमनिसियंट द्रव्य इज दैट विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स सत, दैट इज विच हैज उत्पाद व्यय द्रव्य विच हैज गुण एंड पर्याय। अब गुण और पर्याय किसे कहते हैं? अब द्रव्य को तो समझ लिया, अब गुण और पर्याय क्या चीज है? तो उत्तराधीन सूत्र में गुणानाम आसवो दव्वम, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण आश्रित रहते हैं। द्रव्य ही नहीं रहेगा तो सब्सटेंस के जो गुण है क्या एयर में फ्लो करेंगे? नहीं, उसको एक आधार चाहिए,
एक अकोमोडेशन के लिए एक स्पेस चाहिए, उस स्पेस कौन दे रहा है? वह द्रव्य दे रहा है। द्रव्य में ही गुण रह सकते हैं और कहीं नहीं रह सकते हैं। द्रव्य अलग गुण अलग, दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, आचार्य उमासवाद जब दर्शन युग आया तो आचार्य उमासवाती ने इसी को परिभाषित कर दिया, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुणों पर्याय हो उसे द्रव्य कहते हैं। और आचार्य तुलसी ने 20th सेंचुरी में गुण पर्याय आश्रयो द्रव्यम, ठीक है, जैन सिद्धांत दीपिका में, वो जिसमें गुणों पर्याय हो उसे द्रव्य कहा है। अब व्हाट इज गुण, गुण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि भाई गुण वह है, सहभावी धर्मो गुण है, जो हर समय वस्तु के साथ रहता है। जैसे पुद्गल है तो उसमें टच, टेस्ट, स्मेल, कलर हर समय रहेगा, त्रिकाल में रहेगा, अतीत, वर्तमान, भविष्य। जैसे आत्मा है उसमें चैतन्य गुण त्रिकाल में रहेगा। सहभावी धर्मो गुण, जो हर समय साथ रहता है उसे गुण कहा जाता है। अब यहाँ पे इस संदर्भ में एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है कि जो वैशेषिक फिलोसॉफी है वो मानते हैं जो गुण है वह द्रव्य से अलग रहता है। उनका एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण है, विच रिमेन्स इन द्रव्य बट इटसेल्फ इज क्वालिटीलेस। जो द्रव्य है वह गुण युक्त है लेकिन जो गुण है वह स्वयं में निर्गुण है। जैसे जल है, जल में जो शीतलता का गुण है वह, वे जल को एक द्रव्य मान रहे हैं, जल के अंदर जो शीतलता है वह उसकी क्वालिटी है, वह उसका गुण है। लेकिन वे इन वैशेषिक फिलोसॉफी गुण का इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं मानते। उनका यह मानना, नथिंग कैन बी क्वालिटी ऑफ कूलनेस, अब है कि जो शीतलता गुण है ना उसका कोई गुण नहीं हो सकता है, गुण का गुण नहीं हो सकता है, गुण हमेशा निर्गुण रहते हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट है, आत्मा प्रथम क्षण में चैतन्य रहित होती है, जब वह देखने का काम करती है, ज्ञानात्मक उपयोग लगाती है, तब चैतन्य आके समवाय संबंध से आत्मा से चिपक जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा मुक्त हो जाती है अविद्या, क्लेश आदि से, तब आत्मा क्या है, चैतन्य रहित हो जाती है। चैतन्य रहित हो जाते अर्थात आत्मा जड़वत होता ज्यादा हो जाती है। इनका मतलब द्रव्य और गुण दोनों अलग है। इस प्रकार एक एक इंडिपेंडेंट इनका एक नोशन है। अब यहाँ पे गुण कितने प्रकार के, गुण दो प्रकार के हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। अब ये जो जनरल क्वालिटीज है, छह जो गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगुण लघुत्व, ये जो छह धर्म है, ये धर्म हर सब्सटेंस, हर ऑब्जेक्ट, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में है। पहला है अस्तित्व, एक्सिस्टेंस, सब्सटेंस मीन्स इट्स बीइंग। अब यहाँ पे अस्तित्व धर्म अर्थात उसका अस्तित्व त्रिकाल में रहेगा, इसको कहते हैं अस्तित्व। वस्तुत्व, कॉसल एफिशिएंसी, जिसकी हम चर्चा करेंगे, चेंजेस अकरिंग सब्सटेंस, वस्तु में जो भी चेंज घटित हो रहा है वह वस्तुत्व नामक सामान्य धर्म के कारण हो रहा है। द्रव्यत्व, सब्सटेंस फूड, इच इनेबल सब्सटेंस टू बी द सबस्टैटम ऑफ क्वालिटीज एंड मोड्स। जो द्रव्यत्व गुण है वह पर्याय और जो गुण है उनका समवाय है। जब तक द्रव्यत्व गुण रहेगा उसमें गुण और पर्याय हर समय रहेंगे। जो द्रव्यत्व गुण है वह गुण और पर्याय से रहित अपने आप को कर ही नहीं सकता है। प्रमेयत्व अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, सब्सटेंस बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। हर वस्तु जो भी दुनिया में है, ऑब्जेक्ट है, वह ज्ञान का विषय है अर्थात ज्ञेय है, पदार्थ है। प्रमेय भी एक वस्तु का ही नाम है। यहाँ पे प्रदेशवत्व, एक्सटेंशन इन स्पेस, सब्सटेंस एक्सटेंस इन स्पेस, जैसे आत्मा है, आत्मा असंख्य प्रदेशात्मक है। उद्गल क्या है, अनंत प्रदेशात्मक है। हर वस्तु में प्रदेश है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो एटमलेस हो, प्रदेश रहित हो। अगुरु लघुत्व, यह है जीव का एक महत्वपूर्ण गुण है, जीव को जीव बनाए रखने वाला, अजीव को अजीव बनाए रखने वाला, यह गुण है अगुरु लघुत्व गुण। यह जीव को अजीव बनने नहीं देता है और अजीव को जीव बनने नहीं देता है। त्रिकाल में कभी भी जीव अजीव नहीं बन सकता है,
अजीव जीव नहीं बन सकता है इस अगुरु लघु नाम की सामान्य धर्म के कारण। परमानेंस प्रिवेंट सब्सटेंस एंड क्वालिटी फ्रॉम अबेंडनिंग सब्सटेंस हुड एंड क्वालिटी हुड रेस्पेक्टिवली। अब है स्पेसिफिक क्वालिटीज, जैसे छह द्रव्य है। धर्मास्तिका का स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है? यह है गति सहायो धर्म है। जो भी जीव और पुद्गल गमन करना चाहते हैं उनकी गति में उदासीन भाव से सहयोगी होता है। ऑब्सोल्यूट कॉज ऑफ मोशन नॉन लिविंग है, यह नॉन कॉर्पोरियल अमूर्त है और जड़ है। अब जीव क्या है? चैतन्यमय है, ठीक है, इसका चैतन्य मूल गुण है। और ऐसे हम डीप में जाए, आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत चतुष्टयी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट इंट्यूशन, इन्फिनिट ब्लिस एंड इन्फिनिट पावर। और पुद्गल क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण मान पुद्गल है, ये इसका स्पेसिफिक क्वालिटी है। कलर टच टेस्ट स्मेल कलर, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक क्वालिटीज भी जान ली, लेकिन हर पदार्थ में, द्रव्य हो या कोई भी वस्तु हो, दुनिया में जो षट द्रव्यात्मक लोक है उसमें हर वस्तु में सामान्य गुण तो छह और रहेंगे ही, लेकिन अपने अपने स्पेसिफिक गुण भी है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन ने इसी उत्पाद वै द्रव्य को आगे समझाते हुए बहुत डीप में गए हैं, और इनका जो बोल्ड स्टेटमेंट है, बोल्ड नॉवल आइडिया है कि दोनों द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, अगर हम एकांगी मानेंगे तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। इतना बोल्ड उनका जो डिक्लरेशन है, ये हर कोई आचार्य के द्वारा, मैंने अभी तक किसी आचार्य के द्वारा इस प्रकार का बोल्ड नोशन नहीं देखा। ये पुन संग हो पाणि कमल लक्षणम दुवेनम पि तम्मा मिच्छ दिट्टी पत्ययम दो भी मूल नया। अर्थात उत्पाद व्यय एवं स्थिति तीनों एक दूसरे के साथ मिल करके ही रहते हैं, अतः दोनों नयों का भी अलग अलग विषय सबका लक्षण नहीं होता। इसीलिए ये दोनों मूल नए अलग अलग मिथ्या दृष्टि है। अब इन्होंने कितना डीपली एक बात कही है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों जो है एक साथ एक ही द्रव्य में मिलकर रहते हैं, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी मतलब झगड़े के, कोई भी विरोध नहीं है उनमें। तो अगर इन जो उत्पाद व्यय द्रव्य स्थिति इन तीनों को अगर कोई ये मानता है कि नहीं उत्पाद व्यय ही सत्य है, जो पर्यायार्थिक नहीं है वही सत्य है, जो द्रव्यार्थिक नहीं है वह सत्य नहीं है, और जो अगर कोई कहे कि मिथ्या द्रव्यार्थिक नहीं सब कुछ है, पर्यायार्थिक नहीं कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग अगर नए को स्वीकार करेंगे तो दोनों ही दृष्टिकोण मिथ्या दृष्टि है, दोनों नहीं अलग अलग मिथ्या दृष्टि। इसीलिए है कि दोनों में से किसी भी एक नए का विषय सबका लक्षण नहीं बनता है। द्रव्यार्थिक का विषय सामान्य ले या पर्यायार्थिक का विषय विशेष ले, परंतु इनमें से एक भी सबका लक्षण नहीं है। सबका लक्षण तो सामान्य विशेष दोनों मिलकर ही बनता है। अतएव यदि कोई एक नए अलग होकर वस्तु के संपूर्ण स्वरूप के प्रतिपादन का दावा करे तो वह मिथ्या दृष्टि है। यह है आचार्य सिद्ध सेन का एक नॉवल थिंकिंग था। दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्थ डिके एंड स्टेबिलिटी मस्ट ड्वेल टुगेदर इन हार्मनी टू मेक अ रियल डेफिनेशन ऑफ अ थिंग इन इट्स इंटीग्रल फॉर्म। ईच नया देयरफॉर इफ टेकन इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर कैन नेवर यील्ड एन एडिक्वेट आइडिया ऑफ सत एन एंटिटी। बोथ दीज देयरफॉर डिवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर आर रॉन्ग इन द स्टैंड पॉइंट्स। अब आगे बता रहे हैं दोनों नए सम्यक दृष्टि कैसे बन सकते हैं। जब अनेकांत दृष्टि से इसको समझा जाएगा तो उसमें यथार्थता अपने आप आ जाती है। नय तयो अति नवो नय सम्मतम न तेसु परिपूर्णम जेन धुवे एगंता विभज्यमाना अनेगंतो। अब आपके मन में एक, यहाँ इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, आचार्य सिद्ध सेन ने जो ये टर्म अनेगंत है, अनेकांत टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल सन्मति तर्क प्रकरण में ही 14th गाथा है इसमें हमको प्राप्त होती है। उससे पहले हमें केवल स्याद्वाद नयवाद आगम युग में हमको यही शब्द मिल रहे थे, तत्वा सूत्र में अनेकांत शब्द नहीं मिलता है, वहां पे अर्पिता नर्पित सिद्धे यह शब्द मिलता है,
सामान्य मुख्य और गौण की चर्चा मिलती है, लेकिन जो अनेकांत टर्मिनोलॉजी है ये पहली पहल आचार्य आचार्य सिद्धसेन ने अपने सम्मति तर्पण में इसको हाईलाइट किया है। अब इसका श्लोक का अर्थ है, तीसरा नय नहीं है, उन दो नयों में यथार्थता का समावेश नहीं होता। दो नय कौन से? द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। ऐसा भी नहीं है क्योंकि दोनों एकांत विशेष रूप से ग्रहित होते ही अनेकांत बनते हैं। अगर दोनों को सापेक्ष दृष्टि से मुख्य और गौण करके हम स्वीकार करेंगे तो वह दोनों ही अनेकांत के अंतर्गत आ जाते हैं और वस्तु का यथार्थ स्वरूप को हाईलाइट करते हैं। देर इज नो थर्ड नया। क्योंकि अब क्वेश्चन आया कि भाई जब आगम युग में द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं दो की बात आई है, जो द्रव्य द्रव्य की परिभाषा में क्या आता है, गुण पर्याय आश्रयो द्रव्यम्। उन्होंने जब पर्यायार्थिक नय है तो गुणार्थिक नय क्यों नहीं, ये क्वेश्चन रेज किया गया। तो आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं तीसरा नय नाम की कोई चीज ही नहीं, पर्याय कहाँ घटित हो रहा है, गुण में ही तो घटित हो रहा है, कहीं अलग तो घटित नहीं हो रहा है। जो आत्मा के दो गुण हैं, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ये दो गुण है, उसमें परिणमन हो रहा है, उसमें पर्याय परिवर्तन हो रहा है। तो देर इज नो थर्ड नया। मोर इट कैन नॉट बी सेड दैट ट्रूथ कैन नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्रेस्ड बाय दीज टू नयास। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि दो नयों के द्वारा हम वस्तु को या सत्य को उद्घाटित नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हम उसकी व्याख्या दो नए के द्वारा कर सकते हैं। फॉर इफ वी कंबाइन बोथ दीज स्टैंड पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, अपने अपने दृष्टिकोण से जब हम रव्यातिक नए और पर्यातिक नए को सापेक्ष दृष्टि से हम स्वीकार करेंगे, वी कैन सर्टनली अराइव एट द ट्रूथ बाय द मेथड ऑफ अनेकांत। तो अनेकांत क्या है? सापेक्ष दृष्टि से वस्तु के स्वरूप को समझना। अगर हम वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप को अनेकांत के आलोक में समझेंगे तो हम मुख्य और गौण के लेंस में हम वस्तु को यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इस थोड़ा सा, कब हम वस्तु को जानते हैं तो कब सम्यक पना आता है, कब उसमें मिथ्यात्व पना आता है, सब सामान्य विशेष उभयात्मक है। इसका ग्राहक यदि कोई नए हो तो संपूर्ण वस्तु ग्राही होने से उसे सम्यक नहीं कह सकते हैं, परंतु सात नयों में ऐसा संभव नहीं, संभावना नहीं है, क्योंकि संपूर्ण सत्य को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय नहीं किंतु प्रमाण हो सकता है। इस पर प्रश्न हो सकता है, यदि तीसरा नय नहीं है और दोनों नय को मिथ्या दृष्टि कहते हो तो क्या नय ज्ञान सम्यक रूप नहीं हो सकता? इसका आंसर ये है, हो सकता है, परंतु वह किस तरह, यही समझना चाहिए। जिन दो नयों को मिथ्या दृष्टि कहा गया उन्ही दोनों में सम्यक पना भी है। अब कब वो सम्यक सम्यक दृष्टि बनते हैं, कब मिथ्या दृष्टि बनते हैं, इसको हमें समझना है। सम्यकपना और मिथ्यात्वपना, ये दोनों विरुद्ध धर्म एक आश्रय में कैसे संभव है? इसका उत्तर यह है कि जब ये दोनों नए एक दूसरे से निरपेक्ष होकर केवल स्वविषय को ही सद रूप से समझने का आग्रह करते हैं, तब अपने अपने ग्राह्य एक-एक अंश में संपूर्णता मान लेते हैं और इसीलिए ये मिथ्या रूप है। परंतु जब ये ही दोनों नए परस्पर सापेक्ष रूप से प्रवृत्त होते हैं, अर्थात दूसरे प्रतिपक्षी नए का निरसन किए बिना उसके विषय में मात्र तटस्थ रहकर जब नए अपने वक्तव्य का प्रतिपादन करते हैं, तब दोनों में सम्यकपना आता है। क्योंकि तो ये दोनों नए एक-एक अंश ग्राही होने पर भी एक दूसरे की अवगणना किए बिना, अर्थात एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट किए बिना, हाँ, मुख्य और गौण के दायरे में मुख्य धर्म को पहले स्वीकार करते हैं, गौण धर्म को नकारते न हुए अपने अपने प्रदेश में प्रवर्तित होने से सापेक्ष है। इसलिए दोनों यथार्थ है, दोनों सम्यक सम्यक है, अतः सम्यक दृष्टि। अब जो दो नए हैं उन नयों के साथ उत्तर नयों की मूल समानता का कथन, अब जो सात नए हैं वो दुर्नय कब बनते हैं उसको भी बताया गया। जह ए तह अन्ने पत्तेम दुन्नया नया सब्वे हन्ति हु मूल नया नाम पन्नवने वावड़ा तेरी। जिस तरह ये दोनों नए अर्थात द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए, उसी तरह दूसरे सब नए भी अलग अलग दुर्नय हैं, ठीक है, क्योंकि वे भी मूल नयों के ज्ञेय विषय के प्रतिपादन में संलग्न है। अब
अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। निरपेक्ष भाव से प्रवृत्ति ही नयों के दुर्नयत्व का बीज है। दुर्नय या नया भास कब बनता है? जब हम एकांगी दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु को समझते हैं, तब वो दुर्नय बन जाता है। या तो हम केवल द्रव्यार्थिक नय को ही माने, या केवल पर्यार्थिक नय को ही माने, या उत्पाद व्यय को ही माने, या द्रव्य धर्म को ही माने, तो यही झगड़े का जड़ है, मतलब कलह का मूल है। यह बीज यदि उत्तर नयों में हो तो उन सबको भी दुर्नय अर्थात मिथ्या समझना चाहिए, क्योंकि तो संग्रह आदि उत्तर नयों की प्रतिपाद्य वस्तु भिन्न नहीं होती, वे भी मूल नयों के प्रतिपाद्य विषय की ही परोपना करने में प्रवृत्त होते हैं। जो सात नय की हमने चर्चा की है वो भी एक मूल नय है। अतः यदि वे भी विरोधी नय के विषय की अवगणना करके अपने विषय में पूर्णता मान ले तो वे भी मिथ्या रूप है, यह स्वाभाविक है। As these two nayas, when taken in their exclusiveness, are false nayas. All other nayas also are wrong when taken in their isolated standpoints. For the subsequent nayas occupy themselves in viewing the different aspects of the thing, which is the subject of these two principal nayas. अब ये जो उत्तर नये हैं, जो शब्द नए हैं, अर्थ नए हैं, निश्चय नए हैं, व्यवहार नए हैं, या जो सात नए हैं, ये जितने भी नए की चर्चा आई है उस संदर्भ में ये श्लोक की रचना है कि उत्तर नयों में संपूर्ण सद्ग्राही कोई एक नए नहीं है। ठीक है, सब नए समूह हमी विनति नवो उभय वाय पन्नवो मूल नयान उ आनम पत्येय पत्येयम विशेष्यम वित्ती। सब नयों के समूह में भी उभयवाद अर्थात सामान्य विशेष उभय रूप को जताने वाला कोई नए नहीं है। जो सात नए है वह संग्रह ने केवल सामान्य को ग्रहण करता है, व्यवहार ने केवल विशेष को ग्रहण करता है, ऋजु सूत्र ने केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण कर ला। तो कोई भी नए है सामान्य विशेष उभयात्मक को ग्रहण नहीं करता है, वह प्रत्येक नए मूल नए के द्वारा ग्रहित विषय को विद रूप से कहता है। तो मूल दो नयों के अलावा तीसरा कोई मूल नय तो उभग्राही संभव ही नहीं है, किंतु दो नयों के उत्तर भेद स्वरूप जो संग्रह आदि छह नये है उनमें भी कोई ऐसा नहीं है जो वस्तु के सामान्य विशेष उभयात्मक स्वरूप का प्रतिपादन करे। इसका कारण यह है, प्रत्येक उत्तर नये स्वयं जिस जिस मूल नये का भेद है उस मूल नये के ग्राह्य विषय का ही भिन्न भिन्न रूप में वर्णन करता है। उत्तर नयों का कार्य मूल नयों के प्रदेश से बाहर नहीं है, वे नए के बारे में ही बता रहे हैं, एक पदार्थ के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बता रहे हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ के भिन्न भिन्न जो धर्म है भिन्न भिन्न अंशों में उसको बता रहे हैं, वे तो केवल अपने अपने मूल नहीं नए भीत अंश की कुछ अधिक बारीकी से चर्चा करते हैं। अतः उनमें उभयवाद की व्यापकता अर्थात कोई भी नए एक साथ सामान्य विशेष का ज्ञान नहीं करा सकता है सात नयों में, यह अचल सिद्ध सेन का कथन है। Among all the subsequent nayas, there is not a single naya which has for its province both the aspects of a thing with the general and the particular in their entirety. The reason is that all these nayas look at the different aspects of a thing or reality viewed by the principal nayas, main nayas. अब यहाँ पे अगर आप सामान्य विषय वस्तु का जो स्वरूप है सामान्य विशेषात्मक भेदा भेदात्मक नित्यानित्यात्मक एकानेकात्मक गुण पर्यायात्मक नहीं मानेंगे तो उसमें क्या क्या दोष आते हैं? जो एकांत वस्तु का एकांत नित्य मानते हैं, वस्तु को एकांत अनित्य मानते हैं, तो दर्शन जगत में क्या क्या समस्याएं आ सकती है? व्यवहारिक जगत में संसार में हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? किसी भी एक नए के पक्ष में संसार सुख दुख संबंध मोक्ष आदि कुछ भी नहीं घटित हो सकता है। इसको उन्होंने श्लोक से हाईलाइट किया है, नए दब्बट्टिय पक्खे संसारो नेव पज्जवनयस्य सासय वियत्ति वाई जम्मा उच्छेय वाय्या सुख दुख संपो न जुज्जे निच वाय पक्खम एगं तुच्छेयम मेय सुख दुख वियप्पम जुत्तम। अर्थात द्रव्यास्तिक पक्ष में संसार नहीं घटित हो सकता है, अर्थात नित्य है, द्रव्य धर्म है। आज हम मनुष्य पर्याय में है,
अगर केवल द्रव्य पक्ष को ही स्वीकार करेंगे तो मनुष्य पर्याय से देव पर्याय या अन्य पर्याय में हम कैसे चेंज होंगे? तो कोई परिवर्तन संसारिक घटित नहीं हो सकता है, न पूर्व जन्म न पुनर्जन्म, कुछ भी जो लाइफ एंड डेथ है, जो जन्म मरण का चक्र है, कुछ भी नहीं चल सकता है, पर्यायस्तिक पक्ष में भी नहीं घट सकता है। अगर मैं केवल पर्याय को ही स्वीकार करूंगी और द्रव्य तत्व को स्वीकार ही नहीं करूंगी तो पर्याय, केवल पर्याय से काम कैसे चलेगा? वह कहाँ स्थिर रहेगा? उसको स्थिर रहने के लिए, क्योंकि एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी कैन नॉट फ्लो इन द एयर, ठीक है ना? वो आकाश में विदाउट एनी आधार की फ्लो नहीं कर सकती है, रह नहीं सकती है। तो एक शाश्वत या नित्य वित्तवादी है, तो दूसरा उच्छेदवाद या नाशवादी है। तो नित्यवाद पक्ष में सुख दुख का संभव नहीं हो सकते हैं, एकांत उच्छेदवाद में भी सुख दुख नहीं हो सकते हैं। अगर केवल पर्याय ही स्वीकार करेंगे और नित्य को ही स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सुख तो हो गया, दुख किसमें होगा? नष्ट हो गया तो अनुभव कौन करेगा? कोई नित्य चीज ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई नित्य चीज ही नहीं है, द्रव्य गुण वाला चैतन्य धर्म ही नहीं है, तो सुख दुख घटित कहाँ होगा? इसी को और आगे एक्सप्लेन किया गया है कि भाई दिस वर्ल्डली लाइफ कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर फ्रॉम द्रव्यास्तिक स्टैंड पॉइंट, इट इज इक्वली अकाउंटेबल फ्रॉम पर्यास्तिक पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर द फॉर्मर होल्ड्स दैट देयर इज ओनली वन एलिमेंट एंड स्टेबल थिंग, व्हाइल द लैटर होल्ड्स दैट बर्थ एंड डीके आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थिंग। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोस हू होल्ड दैट एन एंटिटी इज अनचेंजेबल, हैप्पीनेस एंड मिसेरी कैन नॉट स्टैंड। इन द ओपिनियन ऑफ दोस हू होल्ड दैट थिंग्स इटरनली चेंज, द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस एंड मिसेरी कैन नॉट नेवर होल्ड गुड। अब यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार में बहुत सुंदर कहा है, अगर हम केवल उत्पाद को ही स्वीकार करेंगे, वस्तु उत्पन्न होती है इस चीज को स्वीकार करेंगे, तो फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में कौन कौन से लॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉजिकल इश्यूज आते हैं? तो कुंद कुंद कमेंट्स, दोस हु असर्ट मियर ओरिजिनेशन टू फोल्ड ट्रांसग्रेशंस विल अकर इन दैट केस। दो प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, दोष ट्रांसग्रेशन अर्थात दोष। पहला दोष है, फर्स्टली नो ओरिजिन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट विल टेक प्लेस। अगर केवल उत्पाद ही मानेंगे और नाश नहीं मानेंगे तो मिट्टी मिट्टी बनी रहेगी, घड़ा कभी भी नहीं बन सकता। सेकेंडली देर विल बी अ चांस ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ अनरियल, और जो अगर जो असत है उसका भी उत्पाद होने का प्रसंग उत्पन्न हो जाएगा। इन ब्रीफ, इफ ओनली ओरिजिनेशन इज एक्सेप्टेड एंड नो डिस्ट्रक्शन, देन देर विल बी अ लैक ऑफ कॉज ऑफ ओरिजिनेशन, एज अ पॉट कैन ओरिजिनेट एज एन इफेक्ट। वो मिट्टी मिट्टी रहेगी, कभी भी घड़ा नहीं बनेगा, तिल तिल ही रहेगा, उसमें से तेल कभी भी नहीं निकलेगा, अगर आप ओरिजिनेशन नहीं मानेंगे। लाइक दिस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो विल सीज टू ओरिजिनेट, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसग्रेशन। सेकेंडली द पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ रियालिटी विच इज इम्पॉसिबल विल टेक प्लेस। कोई भी जो पदार्थ है उसका उत्पाद नहीं होता है, वह दुनिया में ऑलरेडी है, ठीक है? उसका जो धर्म है उत्पाद व्यय है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ रियलिटी विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना? रियलिटी तो संसार में है ही, अगर केवल ओरिजिनेशन मानेंगे इसका मतलब वस्तु का उत्पाद हुआ ऐसा मानने पड़ेगा, जो कभी भी नहीं होता है। अब अगर केवल विनाश मानेंगे तो क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं दर्शन जगत में, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में? कुंद कुंद प्रवचन सार में इसको भी उन्होंने हाईलाइट किया है। कुंद कुंद सेज दैट दोस हु असर्ट नियर सेसेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी टू फोर ट्रांसग्रेशंस में अकर इन दैट केस। फर्स्टली देयर विल बी अ लैक ऑफ डिस्ट्रक्शन एट ऑल, ठीक है ना? तो नाश ही नहीं होगा, अर्थात उत्पाद ही नहीं हो, केवल नाश को स्वीकार कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब डिस्ट्रक्शन ही होगा, किसका डिस्ट्रक्शन होगा? कोई चीज होगी तो उसका डिस्ट्रक्शन होगा, कोई चीज ही नहीं है, डिस्ट्रक्शन ही मान रहे हैं, तो फिर डिस्ट्रक्शन का ही लैक हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। बिकॉज द पॉट ओरिजिनेट्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्ले, दैट इज इफ वन एक्सेप्ट एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ओनली, देन लैक ऑफ डिस्ट्रक्शन विल प्रूव, बिकॉज डिस्ट्रक्शन के नॉट टेक प्लेस बिरफ्ट ऑफ ओरिजिनेशन। सेकेंडली द रियालिटी विल सीज, वस्तु वस्तु ही नहीं रहेगी दुनिया में, इफ मियर डिस्ट्रक्शन ऑफ सोल
रियलिटी इज असर्टेड देन द नॉलेज इंट्यूशन वर्चूज ऑफ सोल ऑल्सो विल सीज। ठीक है ना, अगर आत्मा का ही नाश हो गया तो फिर उसमें जो दो धर्म है, ज्ञान और दर्शन, जो दो गुण है, उसका भी नाश हो जाएगा। इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिटेंशन एट ऑल, फिर किसी प्रकार का स्मृति होगा ही नहीं। अगर त्रैकालिक आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, उसका नाश हो जाता है, तो फिर आपको स्मृति किसकी होगी? अतीत काल की ही स्मृति होती है, अतीत कालीन घटनाओं की स्मृति होती है। तो अगर त्रैकालिक आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, केवल डिस्ट्रक्शन है, तो स्मृति का लोप हो जाएगा। अब है ट्रांसग्रेशन इन एक्सेप्टिंग एब्सोल्यूट मोमेंटरी नेचर ऑफ रियलिटी। अब केवल क्षणिकवाद वस्तु क्षण भरी रुकती है, इम्परमानेंट है। अगर ऐसा स्वीकार करेंगे तो क्या इश्यू आता है, क्या प्रॉब्लम आती है? समंत भद्र रेफ्यूज द व्यू ऑफ द बुद्धिस्ट क्षणिकवाद, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट मूवमेंट्स एंड अनकनेक्टेड विथ वन अनदर, बट टेकिंग राइज वन आफ्टर अनदर इज अनटेनेबल, अर्थात अनअंडरस्टैंडेबल, मतलब वो समझ के बाहर है कि उत्पन्न हो रहा है और हर क्षण एक दूसरे से मिले हुए भी है और अलग भी है, अनकनेक्टेड भी है, तो दोनों कैसे संभव है? और विच टेकिंग राइज वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के मूवमेंट्स में कनेक्शन भी नहीं है और एक दूसरे क्षण के बाद उत्पन्न होते हैं, ये दोनों समझ के बाहर है। बींग डिफरेंट एंड अनकनेक्टेड, रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कैनॉट एग्जिस्ट। अगर आप एक चीज उत्पन्न हुई और दूसरी चीज नष्ट हुई, फिर दूसरी उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कोई भी सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो आचार्य हेमचंद्र ने इसको ऑब्जेक्शन रेज किया है, न एकांतवादे सुदुख भोगो न पुण्य पापे न च बंध मोक्षो, दुर्नीतवादे व्यसनाशिनैव पूर्व परे विलुप्तम जगदे जगदप्य शेषम। अब इन्होंने बताया है, अगर हम केवल क्षणिकवाद वस्तु के क्षण इम्परमानेंट नेचर ऑफ रियलिटी को स्वीकार करें, अनित्य वस्तु के अनित्य स्वरूप को ही स्वीकार करेंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? If we accept the nature of Sat as absolute eternal or absolute non-eternal, then we cannot explain the experience of pleasure and pain, merit and sin, punya pap, bondage and liberation, bandha or moksha. The triple nature of Sat, if analyzed deeply, can explain obviously above mentioned questions or problems in a right perspective. Ab, logical analysis of absolute permanent and absolute momentary nature of reality. Ab, jo लोग जैसे वेदांत फिलोसॉफी केवल नित्यवाद को स्वीकार कर रहे हैं और जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है केवल अनित्यवाद को स्वीकार कर रहे हैं, अगर केवल एकांत नित्यवाद, एकांत अनित्यवाद वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करेंगे, तो आचार्य हेमचंद्र ने अन्य योग वच्छेदिका, जो एक संस्कृत रचना है उनकी, जिसमें 32 श्लोक है, उसमें एक श्लोक है, कृत प्रणाशा कृत कर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृति भंग दोषान उपेक्ष साक्षासन भंग मिच्छन नहो महासाहसिकः परस्ते। अर्थात इफ वन एक्सेप्ट्स एब्सोल्यूट मोमेंटरी नेचर ऑफ सत, देन इट विल लीड टू द फॉल्ट ऑफ लॉस ऑफ डीड्स। अगर क्षण भंग क्षणिकवाद को स्वीकार करेंगे, तो मैंने कोई अच्छा काम किया है तो उसका फल किसको मिलेगा? द फॉल्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ डीड्स नॉट डन, कृत प्रणाशा, अर्थात जो आत्मा थी उसने कोई काम किया शुभ या अशुभ, वह नष्ट हो गई, अब उसका फल किसको मिलेगा? अगर बौद्ध दर्शन के क्षण भंगवाद को स्वीकार करेंगे और उनकी जो क्षण संतति है कि एक के बाद एक जो क्षण है वह इंटरलेट होता है, तो अच्छा या बुरा काम किसी ने किया और उसका फल किसी और को मिलता है, वह दोष उत्पन्न होगा, द फॉल्ट ऑफ रूइन ऑफ बिकमिंग। और कोई भी वस्तु उत्पन्न होगी नहीं, उसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, उसका भी नाश हो जाएगा। जब नष्ट ही हो रहे हैं, क्षण क्षण के बाद नष्ट ही हो रही है, तो फिर कोई वस्तु कोई चीज बन ही नहीं सकती है, उसमें कोई क्रिएटिविटी फंक्शन यूटिलिटी भी नहीं हो सकती है। द फॉल्ट ऑफ रुइन ऑफ लिबरेशन, द फॉल्ट ऑफ रुइन ऑफ मेमोरी। अगर वह क्षण कोई भी आत्मा है वह क्षण भरी रहती है, अर्थात उसने कोई अच्छा काम किया बुरा काम किया, तो उसको नष्ट करने के लिए उसको दूसरा क्षण चाहिए ना एक्टिविटी के लिए। तो लिबरेशन, जो मोक्ष की बात करते हैं,
का अंत ही मोक्ष है, निर्वाण है, ऐसे जो बुद्धिज्म मानते हैं वो उनके फिलॉसफी के अंतर्गत जो एकांत क्षण भंगवाद या एकांत अनित्यवाद वस्तु को स्वीकार करेंगे वहां पर मोक्ष भी घटित नहीं होगा। और द फॉल्ट ऑफ रुइन ऑफ मेमोरी, क्योंकि हर वस्तु क्षणिक है, आत्मा उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, अपने संस्कार बी में दिए, ए उत्पन्न हुई, ए ने अपने संस्कार बी में दिए, बी नष्ट और सी नष्ट हो गया। तो ये जो क्षण संतति वो स्वीकार करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीड्स, ये जो ट्रांसफरेंस ऑफ डीड्स स्वीकार करते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि जब आप क्षणिकवाद मानते हैं, अनात्मवाद मानते हैं, तो स्मृति का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतीत काल की स्मृति करने के लिए आत्मा का अस्तित्व एक क्षण से ज्यादा होना चाहिए ना, तभी वह अतीत काल की स्मृति करेगा। उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, तो उसकी स्मृति का कोई चांस ही नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है। दीज फॉल्ट्स ऑब्वियसली अकर एज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सपीरियंस। द एक्सप्लिसिट ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज फंडामेंटली डिपेंडेंट अपॉन द थ्योरी ऑफ चेंज। इफ देयर वुड बी नो पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ चेंज, देन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट्स कैन नेवर अकर। अगर एकांत क्षणिकवाद, एकांत नित्यवाद मानेंगे तो न बंधन होगा, न मोक्ष होगा, ठीक है, न स्मृति रहेगी, और न ही अच्छा या बुरा काम किया किसी ने और उसका फल किसी और को मिले, ये सब सारी संभावना, ये सारी समस्या उत्पन्न होगी। और सबसे बड़ी समस्या जो जैन दर्शन जगत का आधारशिला है, कॉजेशन थियोरी, कॉज एंड इफेक्ट थियोरी, ठीक है ना, कारणता का सिद्धांत, वही नष्ट हो जाएगा। कोई चीज कारण होगी तो उसका कार्य भी होगा, चीज है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, कोई फल ही नहीं मिला, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कभी भी घटित नहीं होगा। जो दर्शन जगत का, जो जो हम दुनिया में जो भी देखते हैं, हर वस्तु क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। अब कम्मम जोग कंटिन्यू करूं या एक थोड़ा सा अभी 2 5 मिनट का और है। कम्मम जोग निमित्तम बज्जेई बंध थी कसाय वसा अपरिणव उत्किन्नेसु, ये बंध ही कारणम नत्थी, बंधम भी अपूरन्ते संसार भोग दंशनम मोज्जम, बंधम व विना मुख सुह पत्थना नत्थी मुखो ये तम्हा सव्ये विनया मिच्छा दित्ति सपक्ख परिबद्धा अन्नोन निश्चया उन हवंति सम्मत सभावा। अब इन्होंने बताया है कि एकांत द्रव्य धर्म को स्वीकार करने पर या एकांत उत्पाद नाश को स्वीकार करने पर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको आचार्य सिद्ध सेन ने अपनी सन्मत तर्क प्रकरण में भी हाईलाइट किया। उसको मैंने आचार्य कुंद कुंद, आचार्य हेमचंद्र के अन्य योग वच्छेदिका आदि के द्वारा भी प्रूव किया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं योग अर्थात मानसिक वाचिक एवं कायिक प्रवृत्ति के कारण कर्म का बंध होता है और कषाय के कारण बद्ध कर्म में स्थिति निर्मित होती है। आप सभी जानते हैं कर्म बंधन का मूल कारण दो है, योग और कषाय, ठीक है ना। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उससे कर्म का जनरल सामान्य बंधन होता है। जो कषाय है उस कषाय के कारण दो, राग द्वेष रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता, इनके कारण ही कर्म बंधन होता है। और कषाय क्रोध मान माया लोभ के कारण ही कर्म की स्थिति निर्मित होती है। अगर एकांत क्षण भंगवाद मानेंगे आत्मा का स्वरूप, एकांत अनित्यवाद मानेंगे अपरिणामी, कोई भी उसमें चेंज नहीं घटित होता है, तो फिर क्रोध करेगा उसके बाद मान करेगा, कोई दूसरा क्षण नित्य है, एकांत नित्य है तो उसमें कोई चेंज ही घटित नहीं होगा, और एकांत क्षणिक है तो मात्र क्षण नष्ट में बंधन और स्थिति का कारण ही नहीं। बंधा है तो वो उदय में आएगा, बाद में स्थिति जब पूर्ण होगी तब उदय में आएगा। जब एकांत नित्य में चेंज की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बंधन के बाद मोक्ष होता है तो वो घटित ही नहीं होगा, और क्षण भंगवाद में स्थिति नहीं है तो फिर बंधन और मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। बंधन न होता हो तो संसार में भय प्राचुर का दर्शन मूर्ता मात्र है, और बंधन के बिना मोक्ष सुख की अभिलाषा तथा मोक्ष नहीं है। बंधन ही नहीं है तो किसका मोक्ष होगा, ठीक है, तो मोक्ष का भी मतलब एक्सिस्टेंस नष्ट हो जाएगा अगर हम एकांत नित्यवाद एकांत अनित्यवाद मानेंगे। अतएव मात्र अपने अपने पक्ष में संलग्न सभी नहीं मिथ्या दृष्टि है, परंतु ये ही नहीं, यदि परस्पर सापेक्ष हो तो सम्यक रूप बनते हैं। इसी को इंग्लिश में मैंने हाईलाइट किया है, एक्शन एंड करंट अटैचेस
binds the man through mind, speech, and body. And it is through our passions that this action current binding a man takes its firm stand. But if we think that a thing is eternally unchangeable, or when we think that thing is born and in a moment decays, we can never account for the binding of an action current or its continuance. If there is no binding by action current, then it will be a folly to think that this worldly life is beset with perils. If, on the other hand, there is no binding, then it is idle to desire the happiness of liberation. In fact, then there cannot be any such thing as liberation at all. All the nayas, therefore, in their exclusively individual standpoints, are absolutely faulty. If, however, they consider themselves as supplementary to of each other, then they are right in their viewpoints. Actually, absolute permanence and absolute change nature of reality मानने से क्या क्या समस्याएं घटित हो रही है उसको एक जस्ट मैंने इंग्लिश में हाईलाइट किया है. द डेल ऑफ चेंज विल लीड टू द अनएंडिंग क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थवाद. ठीक है, कोई चेंज ही घटित नहीं होगा तो कर्म सिद्धांत ही नहीं है, कर्म पुरुषार्थवाद को कोई गुंजाइश ही नहीं होगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ्लो ऑफ कर्मा, आश्रव, इनहिबिशन ऑफ कर्मा, संवर, शेडिंग ऑफ कर्मा, निर्जरा एक्सेट्रा, विच विल नेवर अकर इफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ अफेयर्स वुड बी स्टैटिक बेरफ्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, देन एवरी ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट विल रिमेन एज इट इज. इफ यू डिनाई चेंज, then clothes, things will remain new forever, which is contradictory to our human experience. And if a person accepts soul as permanent by its nature and doesn't accept any change in their nature, then there will be no fluctuations in the human emotions, no feeling of joy or sorrow, no transmigration of soul from one realm to another realm. Neither rebirth nor pre-birth can take place. Human efforts will not work at all. All the entire human race will never try to attain emancipation or liberation. Not only this, but also the entire world's religious beliefs, practices, and God worship will prove to be the of futile effort. तो हमने समझा है कि किस प्रकार जो वस्तु का जो स्वरूप है, उत्पाद वे द्रव्यात्मक नित्या नित्यात्मक स्वरूप, अगर हम नहीं मानेंगे क्या क्या समस्या आ जाएंगी. फ्रॉम द पॉइंट एक देवनंदी ने बहुत सुंदर बताया है. इट मीन्स एक श्लोक, मैं डिटेल नहीं जाना चाहूंगी, जस्ट इसका मीनिंग पढ़ लेती हूँ. फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड्स, दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर म्यूचुअली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सटेंस, दीज थ्री आर नॉट परसीव सेपरेटली. मेयर ओरिजिनेशन डजेंट एग्जिस्ट बिकॉज दैट इज विदाउट स्टेबिलिटी एंड डिपार्चर. Like the hair of a tortoise. Likewise, mere destruction doesn't exist because it is without stability and origination. Likewise, mere stability doesn't exist because it is void of destruction and origination. So, entity must have mutually respective origination, cessation, and permanence. Om Arham. ये जो वस्तु का जो स्वरूप है मैंने समझाया है, जिसमें ये उत्पाद वे द्रव्यात्मक स्वरूप रहेगा उसी में अर्थ क्रिया कारित्व रहेगा, ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी रहेगी. और ये जो जैन दर्शन का जो अनेकात्मात्मक दृष्टि से जो वस्तु का स्वरूप की व्याख्या है, वही हमें कोई भी जो क्रिएटिव वर्क है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अंजाम दे सकता है. बनिस्पत एकांत नित्यवाद अनित्यवाद. ओम अरहम.